तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज वाली वीडियो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं जुबा। बट उससे पहले गाइस, देखो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आ रही थी मेरे को कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर में कैसे बनते हैं, या फिर बीटा कैसे डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई ट्रिक ऐसी बता दो जिससे कि करेक्टर हमारे नए नए निकल जाएँ। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब तो यह है कि कंटेंट क्रिएटर कैसे बनाए। तो देखो, अभी कंटेंट क्रिएटर भाई जुबा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भी भर रहे होंगे तो अभी जुबा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है किसी को। तो आगे जाके जब भी एक्सेप्ट करेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को वीडियो में। बल्कि अभी तो जुबा ने भाई जो पुराने कंटेंट क्रिएटर पहले से थे उनको भी निकाल दिया है, मतलब आधे कंटेंट क्रिएटर को तो उसने निकाल दिया है। जो भी पुराने पुराने और मेन मेन कंटेंट क्रिएटर थे ना, वही बचे हुए हैं अभी। तो अगर आप लोग अभी कंटेंट क्रिएटर बनने की सोच रहे हो तो अभी आपको रुकना पड़ेगा भाई, कुछ महीने तो रुकना ही पड़ेगा, जब तक वो लोग अनाउंस ना कर दें कि हम लोग दोबारा से कंटेंट क्रिएटर ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा सवाल आ रहा था कि बीटा कैसे डाउनलोड करें। तो भाई बीटा भी देखो जब भी मिलेगा, जब आप लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे उसके बाद भी कुछ रूल्स होते हैं बीटा के। ऐसे नहीं मिल जाता कि आप जैसे बने और आपको अगले दिन बीटा मिल गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आप लोगों को 3 महीने इंतजार करना पड़ता है, मतलब आप लोगों को 3 महीने उसमें बने रहना पड़ता है, और अगर वीडियो वगैरह डालनी पड़ती है, क्योंकि बीटा में क्या है ना, उसमें ऐसा कंटेंट होता है जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ और हम लोग उसे अभी दिखा नहीं सकते। तो फिर मतलब एक ट्रस्ट वाली बात होती है, इसीलिए आप लोगों को 3 महीनों में वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों को बीटा मिलता है। और तीसरा सवाल आ रहा था कि करेक्टर की कोई ऐसी ट्रिक है जिससे कि हमारे करेक्टर भाई जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो भाई देखो, सच्ची बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो देखी होंगी कि ऐसे करेक्टर निकाल लो, ऐसे करेक्टर निकाल लो, 5 सेकंड रुक जाओ उसके बाद टैप करो, कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है। सारी फेक यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है, सारी यूट्यूब पर आप लोगों को फेक वीडियो मिलेंगी, क्योंकि ऐसी कोई इसमें ट्रिक है ही नहीं भाई कि करेक्टर आपको मिल जाए। बस आपका नया नया जब भी अकाउंट होगा तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में आप लोगों को लगातार 5-6 करेक्टर मिल सकते हैं बस। और जेन्युइन तरीके जो करेक्टर अनलॉक करने के हैं वो है, देखो भाई पहली बात तो ये बैटल पास आता ना, इसमें भी आप लोगों को आजकल क्रेट्स वगैरह मिलने लग गई हैं, तो बैटल पास से भी आप लोग भाई करेक्टर वगैरह निकाल सकते हो। जैसे अभी देखो इसमें लेजेंडरी क्रेट भी मिल रही है, ब्लैक क्रेट, लेजेंडरी क्रेट, तो यहाँ से आपको फायदा हो जाएगा। और हर सीजन में भाई चेंज होता है तो आपको क्रेट वगैरह तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, और इवेंट वगैरह चलते रहते हैं, जैसे ये वाला इवेंट, इसमें कभी कभार भाई दिक्कत हो जाती है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी के पास कोई करेक्टर नहीं होता इस वजह से। और बाकी के जो इवेंट होते हैं, ये वाला, यहाँ से भी आप लोगों को करेक्टर मिल सकते हैं, आपको इसके लिए एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वाले इवेंट होते हैं ना रैंक वाले, तो इनमें भी आप लोगों को भाई करेक्टर मिल सकता है। तो मेरे को भाई इसके देखो बीगली इवेंट के बारे में पता है, तो बीगली इवेंट में आप लोगों को टोटल स्कोर है वही, अगर आपने 16,000 के आसपास कर लिया तो आप लोगों को भाई टॉप 10% आराम से मिल जाएगा। और टॉप 10% के अंदर आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक लेजेंडरी क्रेट है, एक एमराल्ड है, एक गोल्ड है, और हमारी 10,000 टिकट है। अगर आपने इस पर शायद 30,000 के अराउंड या फिर 25,000 के अराउंड स्कोर कर लिया तो टॉप 5% मिलेगा, और उसमें आपको गारंटीड भाई रैंडम कोई सा भी करेक्टर मिल सकता है, और 2 लेजेंडरी क्रेट। तो ये वाले इवेंट ऐसे करके होते हैं, और टॉप 3, 2, 1 के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा स्कोर चाहिए होते हैं, अगर आपके पास लेवल छोटा है तो आप नहीं कर पाओगे इतने। ऐसे ही भाई सबकी होती है, औरों के मेरे को पॉइंट नहीं पता। मैंने भाई बीगली इवेंट ही जीता है इसमें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खेलता नहीं हूँ ना, इसलिए मैं अब तो भी बीगली इवेंट भी पता नहीं कब से नहीं जीता हूँ इसमें। तो यही 3 सवाल आ रहे थे भाई लोगों के कमेंट में, टाओ गेमिंग पे भी आ रहे थे और इस पे भी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसे क्लियर ही कर देता हूँ। ओके, तो भाई हम लोग अभी अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मैंने कमेंट देखी थी कौन से करेक्टर से खेलना है, तो उसमें भाई बैट्सी का नाम था, स्कीपी का भी नाम था। स्कीपी से तो भाई चैलेंज था कि नो हेल्थ किट वाला चैलेंज, तो सबसे पहले हम लोग स्कीपी के साथ नो हेल्थ किट वाला चैलेंज ही करने वाले हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर देख लेते हैं, क्योंकि स्कीपी तो भाई इसका कोई सा भी गेम खेल लो नो हेल्थ किट चैलेंज ही है, क्योंकि इस बेचारे के पास हेल्थ ही कितनी है। बट कोई नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं। तो नो हेल्थ किट चैलेंज के लिए मेरे को भाई क्या क्या लेना पड़ेगा। एडलिन तो हम लोग देखो हटा देते हैं, क्योंकि नो हेल्थ किट चैलेंज है तो एडलिन की कोई जरूरत नहीं है। तो एडलिन अगर हम लोग नहीं लगा रहे तो फिर मैं क्या चीज़ लगाऊँ यार, हेल्थ वगैरह के लिए वैसे हड्डी लगा सकते हैं हम लोग, काम आ जाएगी हड्डी हमारे लिए। बट मैं एक बार को सोच रहा हूँ कि इन्फ्लेटेबल मसल भी हटा देता हूँ, इसकी जगह ये लगा लेते हैं। ठीक है, चलो भाई इन्फ्लेटेबल मसल हटा के ये लगा लेते हैं। तो लेट्स गो गाइस, अपने गेम तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, उतरते भाई वेपन्स वगैरह ले लेते हैं, और भाई फालतू में लड़ाई नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका तो यही है थोड़ा सा भी सर्वाइव करने का, और साथ जीत भी जाएँ तो जीत जाएँ। और यहाँ पर 2 गार्ड्स हैं तो इनको मार लेते हैं। मैं इन्फ्लेटेबल वाली मसल तो निकाले आया हूँ, तो इतना कोई फायदा तो होगा नहीं, तो अबे क्योंकि हम लोग हेल्थ किट भी नहीं ले रहे और उनसे किल करेंगे तो हमारी इन्फिटेबल मसल है नहीं है, तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, हेल्थ किट उठा लेता हूँ। वो वैसे भी मैं एडलिन लगा के नहीं आया तो ऑटोमेटिक भी यूज़ नहीं होंगे, ये सही है, क्योंकि ये फायदा रहेगा भाई उठाने का, क्योंकि अपोनेंट वाले बंदे मेरे खिलाफ यूज़ नहीं कर पाएंगे इसीलिए। तो बाकी मेरे को भाई देखो, मेरे पास 2 हेल्थ किट तो हैं, बस मेरे को ये ध्यान रखना है कि गलती से भी मैं यूज़ ना कर लूँ। ठीक है, बाकी अपना बिस्किट तो भाई जिंदाबाद है, बिस्किट लगा के आया हूँ, तो सबसे पहले उसी को खाऊंगा बैठ के कोने में। यहाँ पर भाई ये कौन है, लेवल 14 का मैक्स वाला बंदा है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, डरने वाली बात नहीं है हमारे लिए। अगर वो मेरी हेल्थ किट चुरा भी लेगा तो क्या ही कर लेगा, मैं वैसे भी चुराने के लिए हेल्थ किट लिए हैं, कोई मुझसे आके चुरा ले। वो वाला इसकी भी उदमबाजी कर रहा था, ये भी उदमबाजी कर रही है, ये वाला इसकी भी पता नहीं कैसे खेल रहा है। बॉट है क्या? हेलो, बॉट नहीं लग रहा है मेरे को, भग रहा है। हाँ तो बॉट नहीं है फिर, तो इसे मार देते हैं फिर। निकल। हाँ बढ़िया, निकल आया। और यहाँ पे कांटा तो जरूर ले लेते हैं भाई, कांटा वगैरह तो यूज़ कर लेंगे, इस पर नहीं बिछा रहा मैं। कोई मुझसे लड़ाई करेगा ना, जैसे मैक्स वाला बंदा देखा था मैंने अभी, तो उसके लिए यूज़ करेंगे भाई।
हमें पहले से ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अगर कोई सा भी बंदा दिख जाता है आखिर हम इसे कैसे हराएंगे, तभी भाई जीत पाते हैं मोस्टली गेम्स तो हम लोग। तो इस वाले गेम के अंदर भाई 14 बंदे बचे हुए हैं और इस वाले बक को तो मैं उदमाई कर सकता हूँ, बच गया। उस बक के चक्कर में अभी दिक्कत हो जाती है, ये मौली को मार सकता हूँ, मार दूंगा बढ़िया, ये बहुत अच्छा काम किया मैंने भाई, मौली को जल्दी से मार दिया वरना वो हेल्थ के लेने वाली थी इसीलिए। बाकी अभी 6 बंदे बचे हुए हैं तो भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा संभाल के खेलना पड़ेगा। और भाई मैक्स से जो बंदा था लेवल 14 का, उसी के पास भाई लेजेंडरी बो है, उसकी मैक्स की डैमेज आपको पता ही है बो की कितनी ज़्यादा तेज है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। स्टीव या फिर उसी हेनरी की तरह उसकी बो की डैमेज है। तो अभी रुक, मर जा, मरा नहीं वो, ठीक है मैं अपने बिस्किट खा रहा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना। ओए भाई ये बंदा मेरे बगल में बैठा था जब से, क्या कर रहा था ये, मंत्र पढ़ रहा था क्या? ठीक है कोई नहीं, मंत्री पढ़ भाई ऐसे करके, बढ़िया भाई। इसने मेरे को मारा क्यों नहीं भाई, मैं एक बो मैंने पट जाता भाई, सच्ची मैक्स की बो की डैमेज बहुत ज़्यादा है, मैं एक अगर ये बंदा दो वक्के भी मेरे को मार देता ना मैं पक्का मर जाता एक ही बार में, बट इस बंदे ने मारा नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी वहाँ पे भाई वो। ओके, इस फिन से बच के रहना है, और फिन प्लीज़ मेरे पे अटैक मत करना, चाहे किसी पे भी अटैक कर लेना, वो मेरे पे अटैक करेगी, इसका विचार तो मेरे पे अटैक करने का लग रहा है। वहाँ पे एक गोल्डन बोर्ड डाला हुआ, अरे रुक जा पीछे से अटैक, हाँ बढ़िया बढ़िया, आ जा बेटा आ जा, इधर आ, ये ले खा, अभी मरा नहीं है अभी भी ये बंदा, उसके पास हेल्थ किट है बहुत सारी, मेरे को नहीं मार पाएगा तू, बट मेरे को भाई बिस्किट खाने से कोने में बैठ के, बैंडेज भाई सही काम कर रही है अपनी। वो वाला मैक्स बंदा कहाँ है, उस वाले मैक्स बंदे से मेरे को बच के खेलना पड़ेगा, अगर उसने मेरी हेल्थ किट गलती से भी उठा ली तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, मेरे को तो वैसे ही घाटा है। तो अभी ये वाला बंदा रुक जा, अब इस वाले अर्ल को हम लोग नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बीच में लड़े बंदे और मैं इनका बीच में फ़ायदा उठाऊँ, सबसे तगड़ी स्ट्रेटजी, वेरी गुड। अब यहाँ से मैं, मेरा काम है, मर जाओ, ओ मेरे को क्या हो गया, ओ भाई मैं, मेरे को ये पता नहीं एक तरीके का, अरे यार अभी कौन बचा हुआ है अर्ल के अलावा, और कौन बचा हुआ है ये, अरे यार फैली बची हुआ भाई यार, कितना मतलब इसका बंदे का स्पीयर भी लग गया ना एंड में मूवमेंट में जाके, मैं बिस्किट खाने की सोच रहा था आराम से खड़े होके। एक तो ये मैं गोल्डन ये लेजेंडरी वाला बो नहीं उठा पाया यार, अगर लेजेंडरी वाला बो उठा लेता तो पक्की जीत थी फिर तो। मैक्स को हराने के लिए भाई मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि अर्ल को नहीं मारूंगा, उल्टा अर्ल ने मेरे को मार दिया। ओके यार, तो भाई इसके भी हेल्थ किट वाला चैलेंज भाई होते रह गया भाई, सच्ची में हो जाता है यार ये, होते रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग भाई बैटसी से खेलने वाले हैं, नॉकबैक लगाता हूँ मैं बैटसी भाई, नॉकबैक लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, आपको आसानी से कोई नहीं मार पाएगा, स्टीव जैसे करेक्टर भी नहीं मार पाएंगे आपको, अंटिल अगर वो फेरोमोन भी लगाई होगी तब भी नहीं, अगर एलाइने जैसे बंदे आपको मार सकते हैं अगर फेरोमोन होगा तो, वरना वो भी नहीं मार सकते फिर तो, क्योंकि आप लोग फेरोमोन वो लगाए हो ना हीलियम कनेक्टर इसीलिए। तो यहाँ से भाई ये लगा लिया हीलियम कनेक्टर मैंने। तो लेट्स गो गाइस, अपने गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बैटरी के साथ, और उतरते हुए हमें मिला गोल्डन वाला बॉम्ब, और यहाँ पे भाई बगल में भाई लेजेंडरी गार्ड भी है तो उसको भी हमें लेना है जल्दी से। यहाँ से पहले भाई सांप को मार के, रुक जाओ इसको चूहे को उधर ही भेजते हैं, वो भाई वो देख रहे हो वहाँ पे अगर मेरे पास कितने सारे वेपन होते ना, मतलब मेरे पास अभी वेपन होते तो सबके सब मरते हैं यहाँ पे भाई, लुई चूई सॉरी क्या कह रहा हूँ, लुई मरता भाई, बक मरता, सब मरते यार यहाँ पे। अभी रुको मेरे को बॉम्ब तो मिल गया, और इस वाले लुई को मैं हेल्थ किट ओके उठाने नहीं देना चाहता था, बट उन्होंने उठा ली, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास पूरे वेपन्स नहीं है इसलिए उसने फायदा उठा लिया। और यहाँ पर भाई ये कौन है पीछे से मार रहे थे, मेरे पास अभी वेपन्स नहीं है और इससे तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहूँगा मैं, अभी इसके पास कॉफी है इसीलिए, और मेरे पास हेल्थ किट भी एक ही है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये खाते हैं, और मेरे को अभी हेल्थ किट की और उसकी सबकी सख्त जरूरत है भाई। तो अभी मैंने यहाँ पर भाई अपनी हेल्थ वेल्थ तो बढ़ा लिया, बट अभी मेरे को भाई वेपन्स की भी जरूरत है और हेल्थ किट की भी जरूरत है। यहाँ पर एक लेवल 11 का छोटा बंदा यार क्यों मार रहा है, पहली मारने लग जाता है बंदे यार, मैंने उससे कुछ भी नहीं कही थी, मैं तो सोच रहा था कि अगर ये बंदा मुझसे नेक भी झंडा दिखा देगा तो उसे हम विन दे देंगे एंड में, बट वो बंदे ने पहले से ही मेरे पर वो कर दिया भाई, ये देख रहे हो अभी भी मार नहीं रहा, मेरे पास बेपंद नहीं है भाई, छोड़ दे, क्यों करना चाहता है भाई यहाँ से ये अटैक, चारों तरफ से अटैक नहीं चाहिए मेरे को, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को बेपंस चाहिए, रुक जाओ मैं उधर ही जा रहा हूँ, यहाँ पर मैक्स वगैरह मिले थे ना मेरे को, उधर ही मेरे को शायद कोई बेपंस पड़ा मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, जरा देख के आता है शायद वहाँ पर डले हों, पर मेरे को यहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ेगा। ओके यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो वाला मैक्स यहाँ पर दुबका हुआ होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को चलो ये तो मिल गया, बस मेरे को स्पीयर और चाहिए भाई, वही तो सबसे मज़ेदार है बैटरी का, तो अभी स्पीयर पता नहीं कहाँ में मिलेगा। ओके तो स्पीयर भी मिल चुका, तो ये बहुत अच्छा हुआ भाई कि यहाँ पर सारे वेपन डले मिल गए, वो तो मैं मैक्स की वजह से भाग गया था क्योंकि मेरी हेल्थ किट बहुत ही कम थी, मतलब हेल्थ बहुत कम थी। और यहाँ पर रुक जा इसके अंदर ये आ जा, लड़ ले मुझसे तू आज, जो होगा देखा जाएगा, मर गई चलो अभी इसकी हेल्थ किट ले लेते हैं, स्पीयर भी हमें मिलने वाला है। और यहाँ पर ये वाली बंदी है जो कि ओ भाई बच गया, ले आ जा आ जा आ जा, अरे ये घुस कैसे आई, ये गलत बात है यार, ऐसे घुस जाते हो तुम यार किसी के घर में, ये सही है मर गई, देखो सजा मिल गई उसे घुसने की, किसी के घर में ऐसे घुसोगे तो भाई पक्की बात है मरोगी, यहाँ पर वो मर गई, उसने पता शॉटगन चला दी भाई बैरियर, इसके पास आके बैरियर के उसी में उल्टा लग गई, तो उस बेचारी मौली के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसे मन नहीं था भाई सजा तो मिलनी थी, तो यहाँ पर ये भी ले लेते हैं। तो अभी मेरे पास भाई सारे वेपन्स हो चुके हैं और अच्छे अच्छे वेपन्स हो चुके हैं, हेल्थ किट भी हो चुकी है, तो अभी मेरे को भाई ध्यान से लड़ना है बस, मरना तो है ही नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर अगर ड्यूकी वगैरह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास ओके रहने देते छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बैटसी कहाँ है, ओके बोरा देखो ये रहा, इसे मारूँ या ना मारूँ सच्ची में मेरे को मन भी नहीं कर रहा, पर मैं ये लेवल 9 वाले बंदे को जिताऊंगा क्योंकि
इस वाले बंदे ने मेरे पर अटैक करा था, तो अभी लेवल 9 वाला बंदा जीतने का अधिकारी है पूरा। तो यहाँ से गया, ले 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 ले, कोई दिक्कत नहीं है, ले 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 ले, हेल्थ केट ले ले तू। अरे ले ले हेल्थ केट, उससे पहले कि तेरे को कोई मार दे, जल्दी से हेल्थ केट ले ले। यहाँ से कौन आ रहा है पीछे से, वापस जा बढ़िया। एक और हेल्थ केट है, इधरा कहाँ पर है, एक इधर इधर ये ले, इधर इधर जल्दी से ले ले से। अरे कहाँ गया, जल्दी से ले ले, हाँ बढ़िया। अभी रुक जा, मेरे पीछे ही रही हो, जिससे पहले कि तेरे पर कोई अटैक ना कर दे। इसके अंदर अभी मैक्स भी घूम, अबे ये कौन है, ओके यहाँ भाई छोटा बंदा है बड़ा बंदा है, शक्ल तो दिखा, लेवल 10 का यार, तो ये तो अधिकारी नहीं है भाई जीतने का, क्योंकि यहाँ पर लेवल 9 का बंदा हमारे पास जिंदा है, तो हम इसे क्यों जिताएं भाई लेवल 10 के बंदे को। कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पीछे से मेरे को कोई अटैक ना कर पाए। अभी यही बचा हुआ है ना, तो ये कहाँ पर जा रहा है, उसको उसे मारने क्यों जा रहा है ये बंदा। मैं देख रहा हूँ आजकल पता छोटे बंदे मेरे को मिलते हैं यार, बट बंदे मार देते हैं यार उन्हें टारगेट करके। जहाँ ये वाला लेरी है भाई, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, दुबक जाता है बार बार पता नहीं कहाँ पे। और मेरे को तो भाई अपने लेवल 9 वाले बंदे की टेंशन है बस, वो भी दुखा हुआ है, वो यहाँ पे दुखा हुआ है शायद। हेलो कहाँ गया यहाँ से, मार दिया गया किसी ने, मारा तो नहीं, अच्छा ये यहाँ पे दुखा हुआ ठीक। अरे ये रहा, भाग यहाँ से, बढ़िया मैंने तो भगा दिया। आ जा बेटा, कहाँ पे आएगा तू। अभी एक और बंदा दुखा हुआ है यहाँ पे कोने में कहीं, उसे मारेंगे। मैंने एकदम कड़ी सिक्योरिटी दी है, उसे देख रहे हो, एकदम छुप के रहेगा वो बंदा, उसे कोई टेंशन नहीं है, ले तू आराम से छुप के रह। कहाँ गया, अंदर ही है ना, चलो ये भी गया। अरे नहीं अभी नहीं गया, अभी नहीं गया, अभी नहीं गया, चलो अब गया, तो वो बंदा भी होगा। रुक जा तू, मत जा भाई, मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, उसे हम लोग विन देने वाले हैं। चलो भाई जल्दी से भाग लेते हैं, उससे पहले कि वो आग में कूद जाए, हम लोग कूद जाते हैं। ओके तो हम लोग भाई बैटरी से भी जीत चुके हैं, और मैं सोचा हूँ कि आज वाली वीडियो बताएं, अगर ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो फिर लाइक से सब्सक्राइब जो करना गाइस, और कमेंट भी करते रहना कि कौन से वाले करेक्टर से अगली वाली वीडियो में खेलूँ, जिससे मेरे को भाई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आराम से वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में बाय।